आज इस टॉपिक पे वीडियो है ये आज हम आप लोगों को 12 वोल्ट की बैटरी बनाना सिखाएंगे। 12 वोल्ट की बैटरी कैसे बनाते हैं वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इसमें, ठीक है। ये अपना 12 वोल्ट 20 एम्पियर का BMS है, इसको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे आपका ग्राउंड लगता है, फिर उसके बाद 4.2 वोल्ट, फिर 8 वोल्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे 12 वोल्ट डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे इसकी सारा नोटिफिकेशन, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पढ़ भी सकते हो आप। तो ये टैकी की बैटरी है, ये 11 वोल्ट की बैटरी है दोस्तों। ये इसको हम खोलेंगे अभी और इसी में से बैटरी का यूज़ करके हम 12 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सी चीज़ों में ये 12 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल होता है। तो हम खरीदने से तो रहे, इसलिए हम खरीदेंगे तो नहीं, हम घर पे ही बनाएंगे। तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि ऐसी मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, ठीक है भाइयों। तो इसमें जहाँ तक मुझे पता है सारे सेल इसके जो है प्रॉपर सही होने चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। 12 वोल्ट की है तो दोनों, ये देखिए, इसको वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीरीज़ में ये पहले से लगी हुई है, बस इनके कनेक्टर जो है वो तोड़ लेने हमको, ताकि हम इसके नए वाले BMS में इसके कनेक्शन कर सकें, ठीक है। तो ये सीरीज़ में पहले से लगी हुई है दोस्तों, इनको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए वोल्टेज भी मैं दिखा देता हूँ बैटरी की, यहाँ पे ये अपना 18650 2000 mAh की एक बैटरी है, तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए 4000 8000 mAh और 10000 mAh का पूरा ये पैक बनाएंगे हम। और इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीमीटर को DC पे सेट करेंगे। यहाँ पे हम DC पे हमने सेट कर लिया है। अब मल्टीमीटर को सेट करने के बाद दोस्तों, अब हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं हम इसकी। तो ये देखिए ये वोल्टेज यहाँ पे 2.3 वोल्ट आ रहा है, सही है बैटरी बिल्कुल। ये वाली भी बैटरी हम चेक करेंगे, इधर भी वोल्टेज हम इसकी चेक करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए इधर भी 2.6 वोल्ट आ रहा है, ये भी बैटरी हमारी ठीक है। और इधर हम चेक करते हैं तो इधर 1 वोल्ट के आसपास जो है ये हमारा यहाँ पे वोल्टेज हमको मिल रही है। तो इसका ही हम पैक बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसी को हम सीरीज़ में पहले से लगा पड़ा है, बस इसको हमें कुछ इस टाइप से जो है बैंड कर देना होगा, ठीक है। इस टाइप से ये बैंड हो जाएगा, इसको बैंड करने के बाद कुछ इस टाइप से इसका लुक बन जाएगा। जब ये इस तरीके से पैक बन जाए तो इस पे हमें जो है अब टेप मारनी पड़ेगी। तो हम इस पे टेप मारेंगे, अब इसको कवर कर। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो है ये पैकिंग वाली टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। इससे एकदम सही से पकड़ बनती है बैटरी की और एकदम टाइट ये जो है बन जाता है बैटरी पैक अपना। नीचे रख के दबा के इसको 2-3 बार ऐसे राउंड करना है, तो दोस्तों वीडियो ये मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, 12 वोल्ट 24 वोल्ट सभी तरीके की बैटरीज मैंने बना के डाल रखी हैं। इसको पैक करने के बाद जो है, तो अब करते हैं दोस्तों इसकी वायरिंग। तो इसकी पहले ही हम 12 वोल्ट की वायर लगाएंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्मिनल पे, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लगा देंगे। फिर उसके बाद इधर हम लगाएंगे इसके 4.2 वोल्ट के लिए, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पे लगा दिया,
अब लगाएंगे 8.4 वोल्ट के लिए। ये भी हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे सीधा ग्राउंड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है वायरिंग मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से करी है हमने। तो कुछ उल्टा मैंने बता दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे हमारा जो है ग्राउंड लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है ये ग्राउंड लगेगा, ये वायर जो है यहाँ लगेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये ग्राउंड यहाँ लग गया। अब यहाँ पे 4.2 वोल्ट लगेगा, यहाँ पे 4.2 वोल्ट लग गया, यहाँ पे 8 वोल्ट, फिर यहाँ पे जो है 8 वोल्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे 12 वोल्ट सीधा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने अब ये BMS ले लिया है। यहाँ पे हम ग्राउंड से शुरुआत करेंगे, 12 वोल्ट से भी शुरुआत कर सकते हो, ग्राउंड से भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, जहाँ मर्ज़ी से कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ से ग्राउंड से शुरुआत करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने ग्राउंड पे इसको लगा दिया है। अब 4.2 वोल्ट यहाँ की जो वायरिंग है, यहाँ की ये वाली वायर लगाएंगे अब। ये वायर भी लगा दिए। अब 8.4 वोल्ट की वायर जो यहाँ पर है, इस तरफ यहाँ पर है, ये वायर यहाँ पर लगेगी। 8.4 वोल्ट पे, ठीक है, 8.4 वोल्ट यहाँ पर है, यहाँ पे लगेगी। तो दोस्तों ये BMS काफ़ी आसान है बनाना, ठीक है। और ये 12 वोल्ट जो है लास्ट का हम यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम दो वायर और अटैच करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम अब इस बैटरी की वोल्टेज चेक करते हैं, पहले यहाँ पर लगा के। तो देखिए 6 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ BMS पे हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे भी 6 वोल्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप BMS की वायरिंग करेंगे और उसको हम चार्ज करेंगे अब, ठीक है। इसको चार्ज करने के लिए मैं कनेक्टर भी बताता हूँ कौन सा लगेगा। तो दोस्तों इस टाइप का ये कनेक्टर लेना है हमको, यहाँ पे प्लस प्लस को प्लस पे, माइनस को माइनस पे लगा देना है। बहुत तरीके के कनेक्टर आते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपके ऊपर है दोस्तों, आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अब मैं इसका अडाप्टर भी दिखाता हूँ चार्ज करने वाला, इससे हम इसको चार्ज करेंगे। तो ये वो अडाप्टर है दोस्तों, ये देखिए ये अडाप्टर है, यहाँ पे वोल्टेज लिखी हुई है, ये वोल्टेज लिखी हुई है इसकी 12 वोल्ट 3.33 एम्पियर, ठीक है, 12 वोल्ट 3.33 एम्पियर। तो ये 3.5 एम्पियर का अडाप्टर हम इसमें लगाएंगे, तो इसी से इसको यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसको लगा देंगे, इसको प्लग कर देंगे। अब यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं हम, तो दोस्तों इसमें जो वोल्टेज हम यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए आप, ये पूरी 12 वोल्ट आ रही है, ये 12 वोल्ट हम यहाँ पे लगा देंगे इसमें, ये बैटरी फिर धीरे धीरे चार्ज होगा। यहाँ पे हमने लगा दिया इसको, तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं हम, ये देखिए धीरे धीरे वोल्टेज जो है बढ़ रही है, ठीक है।
तो ये ऐसी प्रकार से धीरे धीरे चार्ज होगी। तो ऐसी मोर वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, लाइक ठोक के जाना। तो जिस टाइप से मैंने ये अडेप्टर कनेक्ट कर दिया है, ये देखिए ये अपना 12 वोल्ट जो है 12 वोल्ट 3.3 एम्पियर का ये अडेप्टर है। यहाँ पर इसकी वोल्टेज लिखी हुई है ये, ठीक है भाइयों। और यहाँ पे मैं इसकी वोल्टेज दिखा देता हूँ, ये देखिए इसकी वोल्टेज भी आप लोग देख लो। इसी वक्त देखिए 12.2 वोल्ट यहाँ दिखा रहा है। वो बैटरी पे हम वोल्टेज चेक करते हैं तो ये देखिए 12.3 वोल्ट यहाँ पे भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये बैटरी चार्ज होगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। 20 एम्पीयर की बैटरी आप इसी प्रकार से बना सकते हो, छोटी बड़ी किसी भी टाइप की, ठीक है। जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना बड़ा बैकअप होगा, बस इतना याद रखना आप लोग। इसीलिए बीमस होता है, इसमें हम कितनी भी बैटरी लगा के चार्ज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर।